The Lalan Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है My Store App। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। My Store, अब हर स्टोर ऑनलाइन। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 38,772 नए मामले सामने आए और 443 लोगों की मौत हुई। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट लैब्स में आरटीपीसीआर टेस्टिंग के लिए 800 रुपये तय कर दिए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन बनाने में लगी 3 कंपनियों की टीम के साथ आज वर्चुअल मीटिंग की। इन कंपनियों में पुणे की जिनोवा बायोफार्मा, हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड और हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब्स लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कोविड-19 की स्थिति पर 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस बात की काफ़ी संभावना है कि अगले साल के शुरुआती 3-4 महीनों में हम देश के लोगों को वैक्सीन दे सकेंगे। हमारी योजना है कि जुलाई अगस्त तक 25 से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा सके और हम उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। एक अपडेट दक्षिण भारत से है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानी सामी ने घोषणा की कि संक्रमण के चलते राज्य में लागू पाबंदियां 31 दिसंबर तक जारी रहेंगी। दूसरी सुर्खी, आज 30 नवंबर को देव दीपावली और गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। उन्होंने खजूरी में वाराणसी प्रयागराज नेशनल हाईवे चौड़ीकरण प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। वाराणसी प्रयागराज हाईवे को 6 लेन में बदला गया है। 73 किलोमीटर के इस हाईवे के चौड़ीकरण पर 2447 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार मिलता है, लेकिन इस मंच का इस्तेमाल उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर जमा हुए किसानों को संदेश देने में ज़्यादा किया। तीनों कृषि कानूनों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज किसानों को बड़े मार्केट का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उन्हें ज़्यादा दाम मिल सकें। अभी तक किसानों के साथ छल होता रहा, जिन्होंने ये छल किया उनके लिए झूठ फैलाना आदत बन चुकी है। सुनिए, आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। 24/7 उनका यही काम है। देश के किसान इस बात को भली भांति समझते हैं। पीएम मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और मंडियों को मजबूत बनाने की बात की। सुनिए, अब आप ही बताइए कि अगर मंडियां और एमएसपी को ही हटाना था तो इतनी बड़े हम ताकत क्यों देते भाई? हम इन पर इतना निवेश ही क्यों करते? हमारी सरकार तो मंडियों को और आधुनिक बनाने के लिए मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। शुरू से ही किसानों के साथ सरकार की संवादहीनता की बात कही जा रही है। इस आरोप के बीच पीएम मोदी ने कहा कि जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, सरकार उनका पूरा जवाब देने का प्रयास कर रही है। जिन्हें कृषि सुधारों पर शंकाएं हैं वो भी भविष्य में इसका लाभ उठाएंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। तीसरी सुर्खी महाराष्ट्र से है। समाज सेवी के तौर पर काफी मशहूर रहे बाबा आमटे की पोती शीतल आमटे ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या की वजह का पता नहीं चला है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पुलिस का कहना है कि उन्होंने 30 नवंबर की सुबह जहरीला इंजेक्शन लगाया था। उन्हें वरोरा अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। शीतल आमटे आनंदवन की महारोगी सेवा समिति की CEO थी। कुछ दिनों पहले उन्होंने महारोगी सेवा समिति में घोटाले की बात की थी। शीतल आमटे को जनवरी 2016 में विश्व आर्थिक मंच की तरफ से यंग ग्लोबल लीडर 2016 के रूप में चुना गया था। आनंदवन की स्थापना मुरलीधर देवीदास आमट उर्फ बाबा आमटे ने की थी, जिन्होंने समाज सेवा और कुष्ठ रोगियों के इलाज में अपना जीवन खपा दिया। उन्हें पद्मश्री,
पद्म विभूषण, रेमोन मैक्सेसे अवार्ड, गांधी शांति सम्मान मिला था और यूएन की तरफ से मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने के लिए सम्मानित किया गया था। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।